दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ज़बरदस्त सीरीज़ के बारे में जिसका टाइटल है एनियर नॉर्मली फैमिली दोस्तों ये जो मूवी है एक स्टूडेंस ड्रामा एक तरह से सीरीज़ है जो कि हमें देखने को मिली है और इससे पहले इसकी एक मूवी भी आई थी और अभी इसे एक तरह से सीरीज में तब्दील किया गया है और अभी इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है तो आज हम इसी एक तरह से सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग सारे कुछ इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में देने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब

एक एमटी एडवर्डसन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित दो इसमें ब्योर्न बेंटसन एलेक्जेंड्रा कार्लसन टाइरेफोर्स और लो कॉपी हैं तीन छह अध्याय की श्रृंखला बत्तीस वर्षीय उद्यमी क्रिस्टोफर क्रिस ऑलसेन की हत्या से पहले और बाद की घटनाओं का वर्णन करती है सीमित श्रृंखला पांच घंटे से कम चलती है और 24 नवंबर 2023 को जारी की गई थी परिसर लगभग नॉर्मल फैमिली में दिखाया गया है कि कैसे एक सामान्य से दिखने वाले परिवार का जीवन तब बदल जाता है जब एक हत्या यह साबित करती है कि वे एक दूसरे की रक्षा के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं एक कास्ट करें मुख्य यूलरिका और एडम सैंडेल की बेटी स्टेला सैंडेल के रूप में एलेक्जेंड्रा कार्लसन टायर फोर्स क्रिश्चियन फेन्डेंगो सुंदरग्रेन क्रिस्टोफर क्रिस ऑलसेन के रूप में एक बत्तीस वर्षीय उद्यमी जिसकी हत्या का आरोप स्टेला पर है एडम सैंडेल के रूप में ब्योर्न बेंटसन एक लोकप्रिय पादरी और स्टेला सैंडेल के पिता और उल्रिका सैंडेल के पति अमीना बेसिक के रूप में मेलिसा फेरहाटोविक एक महत्वाकांक्षी वकील और स्टेला सैंडेल की सबसे अच्छी दोस्त उल्रिका सैंडेल के रूप में लो कॉपी एक उच्च शक्तिशाली वकील और अभियोजक और स्टेला सैंडेल की मां और एडम सैंडेल की पत्नी आवर्ती स्टेला के वकील मिकेल ब्लोमबर्ग के रूप में हाकन बेटसन जेनी जैन डॉटर एक सरकारी अभियोजक के रूप में मोआ गैमेल रोबिन केजेलैंडर के रूप में क्रिस्टोफर विलेन ग्रीष्मकालीन शिविर में एक कोच अमीना और स्टेला भाग लेते हैं अमीना की मां एलेक्जेंड्रा बेसिक के रूप में सारा चाहिंग कैनेडी अमीना के पिता डिनो बेसिक के रूप में पाब्लो बेंगर। केस्टिन बोस्त्रो के रूप में ईवा वेस्टरलिंग दादी की बेकरी में स्टेला की बॉस एपिसोड्स नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल प्रसारण तिथि एक अध्याय एक प्रति हनेफ जॉर्ड हंस जोर्नलिंड और अन्ना प्लैट 24 नवंबर 2023 अपनी तत्कालीन 15 वर्षीय बेटी स्टेला के बलात्कार के चार साल बाद सैंडल्स वापस सामान्य स्थिति में आ गए जब तक कि एक हत्या नहीं हो गई और स्टेला मुख्य संदिग्ध है दो अध्याय दो प्रति हनेफ जॉर्ड हंस जोर्नलिंड और अन्ना प्लेट चौबीस नवम्बर दो पूछताछ के दौरान सैंडल्स ने उस रात जो हुआ उसकी सच्चाई को छिपाए रखने का फैसला किया एडम एक पादरी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए मामले को आगे बढ़ाता है तीन अध्याय तीन प्रति हनेफ जॉर्ड हंस जोर्नलिंड और अन्ना प्लैट चौबीस नवंबर दो हजार तेईस स्टेला क्रिस के अपार्टमेंट में एक चौंकाने वाली खोज करती है उल्रिका आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभियोजक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करती है चार चौथा अध्याय प्रति हनेफ जॉर्ड हंस जोर्नलिंड और अन्ना प्लैट 24 नवंबर 2023। उल्रिका अधिक सबूत पाने की कोशिश में बेसिक्स के साथ रात्रिभोज की व्यवस्था करती है लेकिन वह बहुत आगे निकल जाती है स्टेला अपने मनोवैज्ञानिक से बात करती है और अपने पिछले आघात के बारे में खुलती है पांच अध्याय पांच प्रति हनेफ जॉर्ड हंस जोर्नलिंड और अन्ना प्लैट चौबीस नवंबर दो हजार तेईस उल्रिका अमीना से बात करती है और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने का फैसला करती है एडम रॉबिन की पिटाई करता है लेकिन उसके अपराध के लिए उस पर आरोप नहीं लगाया जाता है और जो कुछ हुआ उसके लिए स्टेला दोषी महसूस करती है छ अध्याय छह हनेफ जॉर्ड हंस जोर्नलिंड और अन्ना प्लेट चौबीस नवंबर दो हजार तेईस आखिरकार मुकदमा होता है अमीना अपना पक्ष रखती है और अदालत को बताती है कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था स्टेला पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसे रिहा कर दिया गया उत्पादन अनुकूलन की घोषणा 2022 में की गई थी चार शो का सेट और मुख्य रूप से लुंड में फिल्माया गया था जिसमें कुछ दृश्य स्टॉकहोम में फिल्माए गए थे पांच स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने दिसंबर 2023 तक दर्शकों की अनुमोदन रेटिंग नवासी परसेंट और आलोचकों की समीक्षा 80 परसेंट बताई पेर हनेफ जॉर्ड का जन्म पेर हाकन टोबियास हनेफ जॉर्ड का जन्म 25 सितंबर 1978 को लाइक्सेले में हुआ स्वीडिश फ़िल्म निर्देशक और पटकथा लेखक पेरहनेफ जॉर्ड ने कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लघु फिल्मों को लिखा और निर्देशित किया है और दो शून्य शून्य पाँच दो शून्य शून्य आठ में निर्देशन पाठ्यक्रम में ड्रामाटिस्का इंस्टीट्यूट ड्रामेटिक इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त की थी डी आई एलकलैंड की हैन ऑफ डिप्लोमा फिल्म को 2009 हजार नौ ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के स्टूडेंट ऑस्कर से सम्मानित किया गया था फिल्मोग्राफी निदेशक आर आई जी पैंतालीस दो हजार अठारह टाइस कुंगेन कैमिला लैकबर्ग दो हजार तेरह उर्फ द हिडन चाइल्ड एलकलैंड दो हजार नौ मेलन ओस 2008 उर्फ बिटवीन यू एंड मी स्वीडन की अनीता 2008 मेलन 11 और 12 2008 हजार आठ सेगमेंट किरकन फोरचेकिंग मॉर्फर दो हजार, हजार, हजार सात उर्फ फोरचेकिंग दादाजी ऑर्ट मैन विल दो हजार छः उर्फ ऑल दैट यू वांट इन गॉड देग दो हजार पांच उर्फ ए गुड डे बार्न लेकर उठे 2002 उर्फ बच्चे बाहर खेलते हैं स्वारोर 2001 उर्फ मदर इन लॉ एन एनहेल्ट वैनलिग फैमिलज दो उर्फ एक लगभग सामान्य परिवार पटकथा लेखक एलकलैंड 2009 हजार नौ फोरचेकिंग मॉरफर दो हजार सात उर्फ फोरचेकिंग दादाजी एन गॉड देग 2005 उर्फ ए गुड डे बार्न लेकर उठे 2002 उर्फ किड्स प्ले आउटसाइड स्वार्मोर 2001 उर्फ मदर इन लॉ छायांकन ग्रोपेन 2000 उर्फ द पिट लो मैरियन कॉपी जन्म 19 अप्रैल 1970 एक स्वीडिश फिल्म और थिएटर अभिनेत्री निर्देशक और टेलीविजन प्रस्तुता हैं थिएटर में उनका करियर सफल रहा है जिसमें स्टॉकहोम में रॉयल ड्रामेटिक थिएटर में प्रदर्शन भी शामिल है कॉपी ने स्वीडिश फिल्मों में भी कई अभिनय भूमिकाएं निभाई हैं प्रारंभिक जीवन कॉपी का जन्म 19 अप्रैल 1970 को स्वीडन के स्टॉकहोम के उपनगर स्केरहोलमेन में हुआ था दो बीस के दशक की शुरुआत में लंदन में हेयरड्रेसर बनने की पढ़ाई के दौरान वह नशीली दवाओं की आदि हो गई तीन चार वह खाने की बीमारी से भी पीड़ित थी पांच कैरियर अपनी व्यसनों के इलाज के बाद उन्होंने 1999 और 2003 के बीच थिएटर का अध्ययन करने के लिए स्टॉकहोम में स्वीडिश नेशनल एकेडमी ऑफ माइम एंड एक्टिंग में भाग लिया 6 जुलाई उन्नीस से कॉपी ने कई थिएटर टेलीविजन और फिल्म प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया है उन्होंने स्टॉकहोम में स्वीडन के राष्ट्रीय रॉयल ड्रामैटिक थिएटर में 2006 में जोसेस फ्लिकर एटर को मस्टेन ओह गर्ल्स द रिटर्न और 2007 में हेमलेट में ओफेलिया जैसे नाटकों में अभिनय किया है आठ 2009 में उन्होंने डांसर अन्ना वनुक के साथ स्टैंड अप शो अंडरक्वर में दौरा किया 2003 हजार शून्य पांच में उन्होंने जीवनी पर आधारित एकल शो बर्गसप्रेंगार्डोटेन सोम एक्सप्लोडेड माउंटेन ब्लास्टर डॉटर हु एक्सप्लोडेड के साथ दौरा किया जिसे बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया नौ दो में उन्होंने नेशनल स्वीडिश टूरिंग थिएटर में नाटक बर्गसप्रांगर डोटर में एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की 9 9-10 उन्होंने हिंसबर्ग और यस्टेड में सुधार सुविधाओं में प्रशिक्षुओं और देखभाल करने वालों के साथ बातच ईद के आधार पर नाटक की पटकथा लिखी आठ दस उसी वर्ष उन्होंने स्वेरिजेस रेडियो कार्यक्रम पा आफ्टर क्विन्नन सर्चिंग फॉर वुमन में भाग लिया जो महिला संभोग और सेक्स के बारे में एक शो था एक एक दो शून्य एक एक में उन्होंने फिल्म फॉल्स ट्रेल में अभिनय किया एक पीटर स्टोरमारे और रॉल्फ लासगार्ड के साथ उन्होंने एक बंदूक विशेषज्ञ जोहाना लेगर का किरदार निभाया बारह दो हजार पांच में कॉपी स्वेरिजेस रेडियो पर प्रसारित होने वाले रेडियो शो फ्लिपर के प्रस्तुतकर्ता थे तेरह कॉपी हेमलोस होमलेस उस तक और ताला ओम क्लास नामक संकलन के सह लेखक हैं 2012 में उन्होंने एस वी टी ओस कोडिसर वे कॉलस एक्टर्स की सह प्रस्तुति की और उस पर फोकस किया एक चार दो शून्य एक पांच में उन्होंने वीटा क्रैंक्टा मैन व्हाइट मेन नाटक में अभिनय किया चार मार्च 2015 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाप लैट्स इन फिल्म ओम लो कॉपी का प्रीमियर स्टॉकहोम के टेम्पो फेस्टिवलन में हुआ था पंद्रह डॉक्यूमेंट्री में कॉपी के जीवन और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। कॉपी नारीवादी पंक बैंड वैजाइना ग्रांडे के भंग होने तक उसकी गायिका और गिटारवादक थी बैंड के अन्य सदस्यों में फिल्म निर्देशक मिया एंगबर्ग और वामपंथी पार्टी के राजनेता जोसेफिन ब्रिंक शामिल थे सोलह परिवार कॉपी ने अभिनेता फिगे नॉरलिंग से शादी की है और दंपति का एक बेटा लोरेंस है जिसका जन्म 2009 में हुआ एक सत्रह पुरस्कार 2004 में पत्रिका विंडो बटा एबीएफ द्वारा उन्हें एजुकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया था 18 उन्हें हेलेना बेरिंग मेमोरियल फंड से 2010 में छात्रवृत्ति मिली और उसी वर्ष जन फ्राइडे गार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1819 उन्नीस थिएटर भूमिकाएं चयनात्मक उन्नीस एक महीने पहले बर्गसप्रांर डॉन सोम विस्फोट हेर अर्नेस पेनिंगार में एल्सा लील जॉसेस फ्लिकर में हन्ना एटर एटरकोमस्ते हेमलेट में ओफेलिया चयनित फिल्मोग्राफी उन्नीस सौ अट्ठानवे लैंगटास ब्लाब्लोमा दो हजार दो क्लियो दो हजार तीन स्पंग दो हजार पांच फॉलेट जी दो हजार पांच पैरासिटें दो हजार ग्यारह झूठी रा 2011 ग्लेंटन 2012 ग्लैंटन हजार बारह एव लांगटांग दो हजार तेरह वालेंडर डेन ओरोलिज मैनन दो हजार चौदह असली इंसान दो हजार सत्रह इन द गै दो हजार तेईस एक लगभग सामान्य परिवार कार्यक्रम के पहले सीजन को शानदार समीक्षाएं मिली आयो नौ के चार्ली जेन एंडर्स ने कार्यक्रम को आश्चर्यजनक रूप से सुंदर, परेशान करने वाला और बिल्कुल डरावना कहा चार द ऑस्ट्रेलियन ने इसे लंबे समय में छोटे पर्दे पर हिट होने वाली सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा कहा पांच रीमेक अंग्रेजी भाषा अनुकूलन कार्यक्रम के अंग्रेजी भाषा संस्करण के अधिकार कुडोस फिल्म एंड टेलीविजन को बेचे गए और प्रारूप अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय वितरण शाइन लिमिटेड को बेचे गए एक छे कॉर्ड ह्यूमंस अंग्रेजी भाषा संस्करण 2015 में यूके में चैनल चार पर यूएस और कनाडा में एमसी पर और ऑस्ट्रेलिया में एबीसी पर शुरू हुआ साथ दूसरा सीजन अक्टूबर 2016 में प्रसारित होना शुरू हुआ आठ तीसरा सीजन मई 2018 यूके और जून 2018 यूएस में प्रसारित होना शुरू हुआ 9 मई 2019 में चैनल चार ने घोषणा की कि श्रृंखला रद्द कर दी गई है चीनी रूपांतरण मुख्य लेख ह्यूमन 2021 टीवी श्रृंखला 25 जुलाई 2018 को यह घोषणा की गई कि रोलैंड मूर एंडेमोल शाइन चाइना और क्रोटन मीडिया द्वारा निर्मित ह्यूमंस के चीनी संस्करण के प्रमुख लेखक होंगे दस यह श्रृंखला 19 फरवरी 2021 को चीनी प्रसारक टेंसेंट पर प्रसारित होना शुरू हुई जन्म 14 दिसंबर उन्नीस एक स्वीडिश फ़िल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं जो अपनी फ़िल्म एंड देन वी डांस्ड के लिए जाने जाते हैं एक दो जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2019 हजार उन्नीस पुरस्कार जीता तीन जीवनी लेवन अकिन का जन्म और पालन पोषण तुम्बा स्वीडन में हुआ चार पांच जॉर्जियाई मूल के उनके माता पिता 1960 के दशक में स्वीडन चले गए थे जब जॉर्जिया सोवियत संघ के गणराज्यों में से एक था छह लेवान अकिन हर साल गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपनी बहन के साथ जॉर्जिया लौटते हैं चार वहां उन्होंने जॉर्जियाई संस्कृति और जॉर्जियाई भाषा के अभ्यास के बारे में अपने ज्ञान को समेकित किया साथ कैरियर लेवन अकिन ने फिल्म निर्माण में सहायक निर्देशक के रूप में शुरुआत की मुख्य रूप से स्वेरिजेस टेलीविजन में उन्होंने रॉय एंडरसन 2007 द्वारा यू द लिविंग द के निर्माण के लिए स्टूडियो 24 में काम किया 2008 में उन्होंने लघु फिल्म डी सिस्टा सैकरना 2008 के लिए फिल्म डिजाइनर और निर्माता एरिका स्टार्क के साथ हैम्बर्ग फिल्म फेस्टिवल में दो पुरस्कार जीते आठ इसके बाद लेवान अकिन ने टेलीविजन चैनल स्वेरिजेस टेलीविजन के लिए सेकेंड एवेन्यू आंद्रा एवेनिन दो शून्य शून्य आठ दो शून्य एक शून्य लिवेट आई फागेरविक दो हजार नौ एनो एक हजार सात सौ नब्बे दो हजार ग्यारह और रियल ह्यूमंस एकता मैनेस्कोर दो हजार बारह जैसी श्रृंखलाओं का निर्देशन किया शरद ऋतु दो में उनकी पहली फ़ीचर फिल्म कटिंकस कलास का प्रीमियर स्टॉकहोम इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में हुआ यह परिदृश्य गर्मी की रात में जन्मदिन मना रहे युवाओं के एक समूह के आंतरिक तनाव पर आधारित था कलाकारों में से तीन जो अधिकांशतः व्यापक जनता के लिए ज्ञात नहीं थे को लोरियल पेरिस राइजिंग स्टार पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ नौ और योहन्ना इधा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में 2013 हज़ार तेरह गुलड़बागे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था दस दो में लेवन अकिन की दूसरी फिल्म एंड देन वी डांस्ड को आलोचकों की प्रशंसा के लिए रिलीज किया गया था ग्यारह बारह इसका प्रीमियर 2019 हज़ार कांस फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर्स फोर्ट नाइट सेक्शन में किया गया था तेरह चौदह जहां इसे पंद्रह मिनट तक खड़े होकर सराहना मिली पंद्रह जॉर्जिया में स्थापित यह फिल्म जॉर्जियाई पारंपरिक नृत्य विद्यालय के एक छात्र मेरप पर आधारित है जिसे अपने पुरुष प्रतिद्वंद्वी से प्यार हो जाता है जॉर्जियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च ने आधिकारिक तौर पर फिल्म के प्रचार और स्क्रीनिंग पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की और नवंबर 2019 में फिल्म की रिलीज के कारण बिलिसी और बटुमी में दंगे हुए 16, 17, 18, 19, 20 जून 2020 में लेवन अकिन को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य के रूप में चुना गया था दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो चौबीस नवंबर दो को इसे रिलीज़ किया गया था सेक्शन वन के साथ और सेक्शन वन के अंदर तकरीबन छः एपिसोड थे छः के छः एपिसोड एक दिन पर रिलीज़ किए गए और इसे एक तरह से मल्टीपल लैंग्वेज में एक तरह से डब करके रिलीज़ किया गया हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम में भी अवेलेबल है और नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया गया दोस्तों इसके बारे में थोड़ी और जानकारी अब आगे चल मैं आपको देता हूँ आप वीडियो को कर दीजिए लाइक ब्योर्न मिकेल बेंटसन जन्म 28 अक्टूबर उन्नीस को माल्मो में एक स्वीडिश अभिनेता हैं एक बेंगटसन ने उन्नीस सौ तिरानवे छियानवे में गोथेनबर्ग थिएटर अकादमी में अध्ययन किया उन्होंने माल्मो सिटी थिएटर हेलसिंगबर्ग सिटी थिएटर और नेशनल स्वीडिश टूरिंग थिएटर में काम किया है बेंगटसन ने बीबीसी अमेरिका और बीबीसी टू की ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज द लास्ट किंगडम में सिगफ्रिड की भूमिका निभाई घर जा रहा एक बुजुर्ग व्यक्ति एक पैदल यात्री को टक्कर मारता है तब उसे पता चलता है कि यह एक यूबोट है जो बुद्धिमान जीवंत ह्यूमॉइड रोबोटों की आबादी में से एक है जो अब समाज में आम हो गए हैं हबोट्स के एक समूह को आते देखकर आदमी घबरा जाता है और अपने खेत में लौट जाता है लेकिन हबोट्स उसका पीछा करते हुए उस आदमी और उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं संघर्ष में दो हबोट क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें से एक मिमी को ब्लैक मार्केट हबोट डीलर सिलास द्वारा जब्त कर लिया गया और ले जाया गया जो उन्हें पकड़ने और बे चने की उम्मीद में उन पर नजर रख रहा था एक मानव लियो आइशर के नेतृत्व में शेष हबोट्स में निस्का फ्रेड गॉर्डन फ्लैश मैरिलिन और मैक्स शामिल हैं लियो हुबोट्स को पास के चर्च में छिपने का निर्देश देता है फिर वह मिमी की तलाश के लिए मैक्स के साथ निकल जाता है उसकी अनुपस्थिति में निस्का नेतृत्व संभालती है और दूसरों को चर्च जाने का निर्देश देती है लेकिन उनके जाने के बाद वह खेत में लौट आती है और जोड़े को बात करने से रोकने के लिए उनकी हत्या कर देती है पास के शहर में हंस एंगमैन अपने विधवा ससुर लेन आठ के लिए एक नया हुबोट खरीदने जाता है जो लेनार्ट के पुराने हुबोट ओडी को बदल देगा जोनास हब मार्केट मैनेजर जो सिलास के साथ लीग में है हंस पर एक महंगी नर्स बटा हाउसकीपर मॉडल वेरा खरीदने के लिए दबाव डालता है और हंस को एक अतिरिक्त मुफ्त हबोट मिनी की पेशकश करके सौदा हासिल करता है जिसे सिलास द्वारा पुनः प्रोग्राम किया गया है और अब उसे अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं है हंस की वकील पत्नी इंगर अनिच्छा से हुबोट पर मुकदमा चलाने के लिए सहमत हो जाती है जिसे वे अनीता नाम देते हैं इंगर इस बात पर जो देती है कि अनीता को परिवार का हिस्सा माना जाए सबसे छोटी बेटी सोफिया उसे एक दोस्त के रूप में देखती है लेकिन किशोर बेटे टोबियास टोबे जल्द ही अनीता के प्रति आकर्षण विकसित कर लेता है एंडमैन का पड़ोसी रोजर जो अपने साथी थेरेसी और सौतेले बेटे केविन के साथ रहता है अपने कार्यस्थल पर हबोट्स की शुरुआत से नाराज़ है और थेरेसी के सुंदर हबोट ट्रेनर साथी रिक द्वारा उसे और भी अलग कर दिया गया है अकेला लेनार्ट ओडी को हबोट निपटान सुविधा में नष्ट करने के लिए सौंपने से कतराता है इसलिए वह उसे घर ले जाता है और अपने तहखाने में छिपा देता है बाद में वेरा के नियंत्रित करने के तरीके से निराश होकर लेनार्ट ने गुप्त रूप से ओडी को फिर से सक्रिय कर दिया दो दो किसी पर भरोसा नहीं हैराल्ड हैमरे लार्स लुंडस्ट्रॉम 22 जनवरी 2012 यह एपिसोड लियो के बचपन के फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है जिसमें उसके पिता डेविड और निस्का और फ्रेड सहित कई हबोट शामिल हैं वर्तमान में हुबोट अपराध टास्क फोर्स ई के अधिकारी ओवे और बी बुज़ुर्ग जोड़े की हत्याओं की जांच करते हैं एंडमैन परिवार मिमी की उपस्थिति के साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं लेकिन रोज़र की हबोट्स के प्रति नाराज़गी बढ़ती है एक बहस के दौरान वह थेरेसी को मारता है जो तुरंत अपना सामान पैक करती है और केविन के साथ चली जाती है इस बीच लियो मिमी की तलाश में हबोट एक्स व्यापार के घिनौने अंडरवर्ल्ड में उद्यम करने के लिए मैक्स को छोड़ देता है भगोड़े हुबोट्स जो अभी भी भाग रहे हैं ये हब द्वारा पीछा किया जाता है और निस्का फिर से उन पर नजर रखने वाले पुलिस कुत्ते को मारकर अपनी क्रूरता दिखाती है लियो हबोट सेक्स क्लब के शौचालय में गिर जाता है और हमें पता चलता है कि वह वास्तव में एक मानव बटा ह्यूबोट संकर है थेरेसी और इंगर ने थेरेसी के दोस्त पिलर के साथ भोजन किया जिसका उसके हबोट बो के साथ संबंध अधिक घनिष्ठ स्तर पर चला गया है लियो ठीक हो जाता है और मैक्स के साथ फिर से मिल जाता है जबकि अन्य हबोट चर्च पहुंचते हैं जहां पादरी द्वारा उन्हें रिचार्ज करते हुए पाया जाता है तीन तीन प्रभु हमारा साथी होगा हेराल्ड है, हैमरेल लार्स लुंडस्ट्रॉम 29 जनवरी 2012। चर्च में निस्का पादरी आसा को उन्हें अपने अटारी में छिपाने के लिए मनाती है लेकिन आशा की साथी ईवा को उनकी उपस्थिति पर संदेह है लियो और मैक्स मिमी की तलाश जारी रखते हैं तेजी से अलग थलग पड़ता हुआ रोजर एक कट्टरपंथी एंटी हबोट समूह रियल ह्यूमंस की बैठक में भाग लेता है जहां उसकी मुलाकात एक कट्टर एंटी हबोट कार्यकर्ता माल्टे से होती है साथ ही बी ई एचयूआरबी अधिकारी से होती है जिसने स्पष्ट रूप से समूह में घुसपैठ की है जैसे जैसे मिमी एंगमैन परिवार का हिस्सा बनती जाती है तोबे का उसके प्रति आकर्ष न बढ़ता जाता है बी और ओवे अभी भी पाखंडी हबोट्स पर नजर रख रहे हैं आशा के घर जाते हैं लेकिन जब भी अटारी की जांच करती है और निस्का को देखती है तो वह ओवे को उनकी उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताती है लेनार्ट वेरा से बच निकलता है और ओडी को मछली पकड़ने की यात्रा पर ले जाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है जैसे ही एपिसोड समाप्त होता है लियो को अपने बचपन की महत्वपूर्ण घटना का एक और फ्लैशबैक अनुभव होता है उसकी मां का डूबना उसकी खुद की मृत्यु के निकट होना और मिनी द्वारा उसे बचाना चार चार अर्धमानवाधिकार हेराल्ड हैमरे लार्स लुंडस्ट्रॉम पांच फरवरी 2012। जब ओडी लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो लेनार्ड का पलायन बुरी तरह समाप्त हो जाता है और पुलिस उसका पीछा करती है जब ओड़ी सड़क से नीचे कार चलाता है तो घबराया हुआ लेनार्ट ओड़ी को जंगल में छिपने के लिए भेज देता है और लेनार्ट को खतरनाक ड्राइविंग के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है थेरेसी पिलर और वो एक जोड़े के साथ नाइट आउट पर जाते हैं लेकिन हबोट्स को एक क्लब में प्रवेश से मना कर दिए जाने के बाद थेरेसी और पिलर क्लब पर मुकदमा करने के लिए इंगर को उनके पक्ष में काम पर रखते हैं लेनार्ट जंगल में लौट आता है लेकिन ओडी को नहीं ढूंढ पाता जो भटक गया है और खो गया है लियो हबोट अंडरवर्ल्ड में मिमी की खोज जारी रखता है लेकिन वह फिर से गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसके चार्जर कॉर्ड का प्रवेश स्थल घायल हो गया है और खून बह रहा है उसे अपने बचपन की एक और याद आती है मिमी ने उसे डूबने से बचाया था लेकिन उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया रोजर थेरेसी को उसके नए अपार्टमेंट में ढूंढता है लेकिन वे बहस करते हैं और रोजर फिर से नियंत्रण खो देता है और थेरेसी को मारता है इंदर के बॉस हेनिंग उसे पिलर और थेरेसी का मामला लेने देने के लिए सहमत हैं पिलर के सुझाव के बाद कि वह बो को दोबारा प्रोग्राम करवा सकती है थेरेसी उसी ब्लैक मार्केट हबोट सेक्स शॉप पर जाती है जहां लियो काम कर रहा है लियो रिक को रिप्रोग्राम करता है उसकी असिमोव बाधाओं को दूर करता है और उसके यौन कार्यों को बढ़ाता है रोजर फिर से माल्टे और बी से मिलता है उसे माल्टे के हिंसक दृष्टिकोण उसके हथियारों के भंडार और हब मार्केट पर बमबारी करने की उसकी योजना के बारे में पता चलता है लेकिन जब भी कमरे से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि वह हवास्तव में छद्मवेश में मुक्त हबोट्स में से एक है बाद में बी अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए गुप्त रूप से निष्का से मिलती है लियो जो अब पिस्तौल से लैस है मिमी को सिलास की कार्यशाला में ट्रैक करता है और जानना चाहता है कि मिमी को कहां ले जाया गया है क्रोधित होकर वह अचानक अपनी बंदूक निकालता है और सिलास के सहयोगी जिनको बेरहमी से मार देता है लेकिन फिर उसे सिलास के हबोट सहायक द्वारा पकड़ लिया जाता है जो उसका गला घोंट देता है और जाहिर तौर पर उसे मार डालता है जैसे ही वह होश खोता है उसके चपन की एक और याद आती है यह बताए जाने के बाद कि लियो की स्थिति निराशाजनक है डेविड ने डॉक्टरों से हबोट प्रत्यारोपण के साथ लियो की जान बचाने की गुहार लगाई लेकिन उन्होंने मना कर दिया इसलिए डेविड खुद ऑपरेशन करने के लिए लियो को ले गया पाँच पांच, पांच हृदय में शक्ति लेवन अकिन लार्स लुंडस्ट्रॉम 12 फरवरी 2012 थेरेसी और रिक का रोमांस परवान चढ़ता है लेकिन केविन उनके व्यवहार से अलग थलग पड़ जाता है एक रहस्यमय सरकारी खुफिया एजेंट जोनास से मिलने जाता है और उससे मुक्त हुबोट्स के बारे में पूछताछ करता है और अफवाह है कि लियो के पिता डेविड आइशर ने एक प्रोग्रामिंग कोर बनाया है जो हुबोट्स को स्वतंत्र इच्छा देता है बी और निस्का एक इंटरनेट डेटिंग साइट के माध्यम से अपनी योजनाओं के बारे में गुप्त रूप से संवाद करना जारी रखते हैं खुफिया अधिकारी ओवे से मिलता है और उसे हुबोट हत्याओं पर की एच की सभी फाइलों को आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है उड़ी जो अब सिलास के कब्जे में है को सिलास को उसके मालिक के रूप में पहचानने के लिए फिर से प्रोग्राम किया गया है आसा और ईवा हबोट्स को छुपाने पर बहस करते हैं जबकि हबोट्स खुद इस बात पर बहस करते हैं कि क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए या लियो की प्रतीक्षा करनी चाहिए सिलास अपने हबोट्स को जिम और लियो के शवों को टुकड़े टुकड़े करने और निपटाने का आदेश देता है लेकिन तब पता चलता है कि लियो एक संकर है और अभी भी जीवित है थेरेसी और रिक खरीदारी करने जाते हैं लेकिन रिक दिख आना शुरू कर देता है कि अब उसकी अपनी एक इच्छा है मैथिल्डे अनीता बटा मिमी से उसके अतीत के बारे में सवाल करती है और उसके सॉफ़्टवेयर में एक वैकल्पिक अज्ञात ऑपरेटिंग सिस्टम खोजती है जब वह इसे पुनः सक्रिय करती है तो मिमी एक मुक्त हबोट के रूप में अपनी पूरी स्मृति और पहचान पुनः प्राप्त कर लेती है सिलास ने अपने हु हुबोट्स को लियो को मारने और टुकड़े टुकड़े करने का आदेश दिया लेकिन जब वह लियो को परेशान कर रहा था तो उसने खुलासा किया कि उसने मिमी को जोनास के हब मार्केट को बेच दिया था जैसे ही हबोट्स अपना भय आनक कार्य शुरू करने वाले होते हैं जोनास अप्रत्याशित रूप से आता है और लियो भागने में सक्षम हो जाता है डीक जो एक खाली अपार्टमेंट में बैठकर बैठी है आइशर कोर को एक यूएसबी स्टिक पर कॉपी करती है लियो मैक्स के साथ फिर से जुड़ता है और हब मार्केट जाता है जहां वह जोनास से भिड़ता है जिससे उसे यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मिमी को एंगमैंस को बेच दिया गया था जब वे बात कर रहे होते हैं माल्टे और रोजर हब मार्केट में पहुंचते हैं और बम लगाते हैं जोलियो के इमारत से बाहर निकलते ही फट जाता है मिनी मैथिल्डे को बताती है कि उसकी बाह पर टैटू का मतलब है कि वह डेविड आइशर के बच्चों में से एक है जिसे वह हमारा मुक्तिदाता कहती है छः छे धूर्त सिंह लेवन अकिन लार्स लुंडस्ट्रॉम उन्नीस फरवरी 2012। हब मार्केट बम्बारी के मद्देनजर जोनास बच गया है लेकिन वह बुरी तरह जल गया है माल्टे मीडिया को रियल ह्यूमंस लिबरेशन फ्रंट के नाम पर ज़िम्मेदारी लेने के लिए बुलाते हैं लियो लगभग एंगमैन के घर तक पहुंच ही जाता है लेकिन कमज़ोर अवस्था में वह घर से केवल कुछ मीटर की दूरी पर सड़क पर गिर जाता है बी की मुलाकात निस्का से होती है जो उसे बताती है कि आयशर कोर का महत्वपूर्ण अंतिम भाग लियो के बायोब्रेन में ऑडियो जानकारी के रूप में संग्रहित है और एक विडंबनापूर्ण मोड़ में जब वे बात करते हैं तो वे पी इतलियो को पहचाने बिना उसके ठीक पीछे चले जाते हैं और अगली सुबह लियो मिल गया और उसे अस्पताल ले जाया गया आशा द्वारा दी गई बाइबल पढ़ने के बाद गॉर्डन ने उसके साथ अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं पर चर्चा की लेकिन फ्लैश ने ईवा को परेशान कर दिया जब उसने ईवा और आसा की शादी की तस्वीर देखी और उसे होमोफ्रीक के रूप में गाली दी लेनाट एक कला कक्षा में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक जिंदादिल वृद्ध महिला से होती है जब डॉक्टरों को लियो के मिश्रित स्वभाव का पता चलता है तो खुफिया एजेंसी उसे हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है निस्का फ्लैश को अपने अपमान के लिए ईवा से माफी मांगने के लिए मजबूर करती है कि एचयूआरबी मुख्यालय में ओवे मैक्स के अवशेषों की जांच करता है जो विस्फोट में नष्ट हो गया है जब भी आती है तो वह ओवे को आयशर कोड की प्रति के साथ रोबोट के आकार की यूएसबी स्टिक देती है जाहिरा तौर पर जन्मदिन के उपहार के रूप में जब ओवे प्रयोगशाला छोड़ देता है बी तो मैक्स के मस्तिष्क को नष्ट करने के लिए एक टेसर का उपयोग करता है लेकिन फिर ओवे अप्रत्याशित रूप से लौटता है और बी को रिचार जकरता हुआ पाता है और अब उसका कवर उड़ जाने के कारण वह ओवे पर हावी होने और भागने के लिए मजबूर हो जाती है थेरेसी और पिलर ने अपना मुकदमा तब छोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि रक्षा टीम इस बात पर जोर देगी कि रिक और बोकी अवैध संशोधनों के लिए जांच की जाए लेनार्ट को दिल का दौरा पड़ा लेकिन वेरा ने उसे बचा लिया इवा गॉर्डन और निस्का के साथ टकराव की एक श्रृंखला के बाद फ्लैश समूह छोड़ देता है बी रोजर से मिलती है और यह दिखावा करके उसका विश्वास हासिल करती है कि उसने अभी अभी एक अपमानजनक रिश्ता खत्म किया है और उसके मन में उसके लिए रोमांटिक भावनाएं हैं अस्पताल में लेनार्ट को बताया गया कि उनके बीमा में उनके व्यक्तित्व का एक डिजिटल क्लोन बनाने का अधिकार शामिल है जिसे उनकी मृत्यु की स्थिति में हबोट में स्थापित किया जा सकता है जब रोज़र और बी घर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि माल्टे की हालत खराब होने लगी है और वह उन्हें बंदूक से धमकाता है तोबे टूट जाता है और हंस के सामने मिमी के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में कबूल कर लेता है हबोट्स की निरंतर उपस्थिति से परेशान होकर ईवा पुलिस को बुलाने का कर। कोशिश करती है लेकिन निस्का उसे रोक देता है जो उसे जान से मारने की धमकी देता है और इवा डरकर भाग जाती है गॉर्डन एक चर्च सेवा में भाग लेता है लेकिन क्रोधित मंडली द्वारा उसे चर्च से बाहर निकाल दिया जाता है इसलिए वह अन्य हबोट्स में फिर से शामिल हो जाता है और वे भाग जाते हैं साथ साथ अंधा प्यार लेवन अकिन लार्स लुंडस्ट्रॉम 26 फरवरी 2012 हजार आठ आठ जल्दबाजी होती है लेवन अकिन लार्स लुंडस्ट्रॉम 4 मार्च 2012 हज़ार बारह नौ नौ विरासत हेराल्ड हैमरे लार्स लुंडस्ट्रॉम 11 मार्च 2012 हज़ार बारह माल्टे की मां द्वारा सतर्क किए जाने पर विशेष बल उसके फ्लैट में उसका इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वह तहखाने में छिप जाता है जहां निस्का द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है बी ने हबोट्स के साथ भविष्य के अपने दृष्टिकोण को अमर और अंत केवल नस्ल के रूप में वर्णित किया और रोज़र को उनके साथ शामिल होने की पेशकश की थेरेसी निराश रिक के बारे में चिंतित है जिससे केविन को घृणा होती है जो रोज़र के साथ पुनर्मिलन के लिए निकल जाता है गुप्त सेवा ने इंगर की लियो के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया और मिमी का अपहरण करने का निर्णय लिया इंगर मिमी के व्यक्तित्व से मिलती है और उसे लियो का संदेश देती है लियो का डॉक्टर उसे जेल से बाहर निकालने का संकल्प लेता है और निदेशक के कार्यालय में नकली निगरानी वीडियो फीड भेजता है निर्देशक लियो से गुप्त कोड मांगता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है यह पता चला है कि कोर कार्यक्रम का अंतिम अनुक्रम है जो डेविड के बच्चों को उनकी विशेष योग्यताएं देता है जिसे उन्होंने प्रकटीकरण से बचाने के लिए अकेले लियो को दिया था टोबियास को उसके चिकित्सक ने ह्यूमन से सोल होने का निदान किया है केविन को वापस पाने की कोशिश में थेरेसी ने रिक को सिलास को बेच दिया ंगर और हंस हबोट अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर झगड़ते हैं मिनी एंगमैन के घर से गायब हो जाती है लियो के स्थान के बारे में जानकारी के लिए निस्का और बी ने ओला को रिश्वत दी लेकिन बाद में ओला को मारने के बजाय बी ने निस्का को गोली मार दी दस दस कोड हेराल्ड हैमरे लार्स लुंडस्ट्रॉम 18 मार्च 2012 भी और निस्का ओवे से मिलते हैं उसे अपना सुरक्षा पास प्राप्त करने के लिए रिश्वत देते हैं ताकि वेलियों को बचा सकें लेकिन बैठक अप्रत्याशित रूप से समाप्त हो जाती है जब भी निस्का के सिर में गोली मार देती है जिससे उसका मस्तिष्क नष्ट हो जाता है फ्लैश समूह छोड़ देता है खुद को एक इंसान के रूप में प्रच्छन्न करता है और एक इंसान से मिलने और अपने लिए एक नया जीवन बनाने का संकल्प लेता है निगरानी कैमरे खुफिया एजेंट को भूमिगत रेलवे सुरंग में मिमी और लियो तक पहुंचने में मदद करते हैं जहां वे छिपे हुए हैं ली यो मिमी से मरने में मदद करने के लिए विनती करता है लेकिन एजेंट उसके खत्म होने से पहले ही आ जाता है और मिमी को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब एजेंट मिमी का पीछा करता है बीलियो को खोजने के लिए पहुंचती है और उससे कोर का अंतिम भाग फुसफुसाकर बोलने के लिए कहती है फिर वह शायद उसके अनुरोध पर उसे गोली मार देती है लेकिन हम नहीं जानते कि उसने उसे कोर दिया था या नहीं उसी समय खुफिया एजेंट वापस आता है और बी का सामना करता है वह उसे कोर के मुख्य भाग वाली हार्ड ड्राइव देने की पेशकश करती है उसका स्वीडिश एकता मैनेस्कोर 2012 की स्वीडिश विज्ञान कथा बटा नाटक श्रृंखला है जो स्वीडन के वैकल्पिक निकट भविष्य संस्करण पर आधारित है जहां उपभोक्ता स्तर के ह्यूमनॉइड रोबोट कार्यकर्ता और नौकर व्यापक हैं श्रृंखला दो परिवारों पर परिणामी भावनात्मक प्रभावों के साथ साथ रोबोटों के एक समूह के परीक्षणों का अनुसरण करती है जिन्होंने स्वतंत्र इच्छा प्राप्त कर ली है और मानव स्वामित्व से अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं इट प्रेमियर्ड ऑन एस वी टी एक ऑन बाईस जनवरी 2012। हजार बारह द सीरीज वॉज रिटन बाय लार्स लंस्ट्रॉम एंड डायरेक्टेड बाय हरल्द हमरल एंड लेवन एकिंग One as of 2013, the series has been sold to about 50 countries including Australia, France, Germany and South Korea. Though a second season of 10 episodes premiered on Ace one in October 2013. In April 2013, it was announced that Lars Lundström was writing a third series but as of August though 2014, Ace VT is yet to officially announce whether the series will be renewed for a third season. As of November 2014, Lundström said in an interview with Festival Court Metrange, We have planned for a third season, we have written a whole outline and some scripts, but right now it's in decision-making if it's going to happen or not, because we have problem to fund the budget money. In a couple of weeks, maximum a month, we know, but I am sorry to say, I am not very optimistic. 3. Setting The story takes place in a version of present-day Sweden where the use of androids is commonplace. The androids known as U-boats, portmanteau of human and robot, Function as servants, workers, companions, and even illicitly as sexual partners, with different models having specific features designed for their distinctive roles. While some people embrace this new technology, others are disturbed by it. A far right political movement, the Real Humans, arises in opposition to the encroachment of U boats upon human society. Some members use the derogatory term Pacmans to refer to U boats. are usually programmed to recognize and obey their owner and can learn skills and pick up knowledge through observation of humans. U have begun to replace human workers in many industries, especially in the performance of repetitive tasks. Though they are designed to closely resemble humans, U boats are usually easy for humans to recognize as they have bright, flawless skin, glossy hair, and unnaturally bright, usually very blue or very green, eyes. All U boats also have a USB like port, in either the back of the neck or in their lower back, which is used for programming and data. The button to activate or depower a U boat is located under the left armpit. As is a standard wall plug code for recharging purposes. U boats require only electricity to survive and must recharge regularly, during which they enter a sleep like state. U boat skin feels similar to human skin and is kept at normal human body temperature, but beneath the skin are metal components and a blue fluid but lubricant known as hub fluid. हबोट्स को भी विनम्र होने के लिए प्रोग्राम किया गया है वे असिमोव प्रोटोकॉल नामक नियमों के एक सेट का पालन करते हैं जो उन्हें मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं हालांकि प्रेमी या अंगरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कुछ हब्बॉट्स को कानूनी प्रोटोकॉल से परे संशोधित किया गया है स्वीडन में ऐसी प्रथाएं अवैध हैं और जो लोग हब्बोट्स की प्रोग्रामिंग को संशोधित करते हैं उन्हें होम ब्रुअर्स के रूप में जाना जाता है हबोट से संबंधित अपराधों की जांच के लिए पुलिस की एक छोटी कम वित्त पोषित शाखास्त आपित की गई है जिसे ई के नाम से जाना जाता है हबोट मानव यौन गतिविधि वर्जित है लेकिन असामान्य नहीं है और कई हबोट को सीमित यौन गतिविधि के लिए प्रोग्राम किया गया है जो लोग हबोट्स के साथ यौन संबंध बनाते हैं उन्हें उपहासपूर्वक हबीस कहा जाता है इसके अलावा मूल हबोट निर्माता डेविड आयशर द्वारा पुनः प्रोग्राम किए गए उन हबोटों ने भावनाओं इच्छाओं और अपने स्वयं के लक्ष्यों को विकसित करना शुरू कर दिया है जो मनुष्यों से स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्रता के लिए एक स्पष्ट क्षमता प्राप्त कर रहे हैं उनका कोड विभिन्न भावनाओं को एक साथ एकीकृत और संतुलित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कि मानक हबॉट्स के एक समय में एक भावना वाले कोर के विपरीत है वे अभी भी अक्सर भोले और अलौकिक होते हैं और कभी कभी जटिल मानव व्यवहार की बारीकियों को समझने में असफल होते हैं पात्र मैरी रॉबर्टसन जो बी का किरदार निभाती हैं लीफ एंड्री जो रोजर की भूमिका निभाते हैं एंगमैन परिवार पिया हलवर्सन एसवी इंदर एंगमैन एक माँ और वकील जोहान पॉलसेन एसवी हंस एंगमैन इंगर के पति नताली मिन्नेविक एसवी मटिल्डा एंगमैन सबसे बड़ी एंगमैन संतान जो एक सुपरमार्केट में काम करती है कोरे हेडेब्रेंट टोबियास एंगमैन उपनाम टोबे एक किशोर स्कूल का छात्र एलाइन पामस्टियर एसवी सोफिया एंगमैन सबसे छोटी एंगमैन बेटी स्टेन एल्फस्ट्रॉम लेनार्ड सोलबर्ग इंगर के पिता जो अपने हबोट साथी साथियों के साथ अकेले रहते हैं अलेक्जेंडर स्टॉक्स एसवी ओडी लेनार्ड का बहुत प्रिय हबोट साथी अंकी लार्सन एसवी वेरा एक कम मिलनसार हबोट जिसे बुढ़ापे में लेनार्ट के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डिजाइन किया गया है लिसेट पगलर अनीता एक हबोट जिसे हंस परिवार के लिए खरीदता है उसका एक छिपा हुआ व्यक्तित्व है जिसे परिवार खोजता है नीचे मिमी भी देखें डेविड आयशर के बच्चे एंड्रियास विल्सन लियो आयशर डेविड का बेटा फ्लैशबैक में 10 वर्षीय लियो का किरदार रोमियो अल्टेरा एसवी ने निभाया है इवारोसे डेविड आयशर के मुख्य हबोट सहायक मुक्त हबोट के वास्तविक नेता मैरी रॉबर्टसन बीट्राइस बी एक स्वतंत्र हबोट जिसका अतीत लियो से निकटता से जुड़ा हुआ है वह बीट्राइस नोवाक नामक एक इंसान के रूप में काम कर रही है जो कि एच के साथ एक जासूस और एक एंटी हबोट कार्यकर्ता दोनों के रूप में काम कर रही है पता चला है कि वह लियो की दिवंगत मां का हबोट संस्करण है लिसेट पगलर मिमी स्वतंत्र इच्छा वाली एक हबोट जो लियो के लिए भावनाएं रखती है ऊपर अनीता को भी देखें डेविड लेनमैन एसवी फ्रेड स्वतंत्र इच्छा वाला एक हबोट आंद्रे सोसबर्ग गॉर्डन, स्वतंत्र इच्छा वाला एक हबोट जोसेफिन अलहान को फ्लैश बटा फ्लोरेंटाइन स्वतंत्र इच्छा वाला एक हबोट सीजन दो में एक इंसान के साथ घनिष्ठ संबंध बनता है सोनेट स्पैरिल एसवी मैरिलिन स्वतंत्र इच्छा वाली एक हबोट एंगमास के पड़ोसी लीफ एंड्री रोजर एंगमैंस के पड़ोसी थेरेसी के पति और केविन के दत्तक पिता वह एक मनमौजी गोदाम कर्मचारी है और हबोट्स पर संदेह करता है कैमिला लार्सन थेरेसी रोजर की नाखुश पत्नी केविन की मां और अपने हबोट ट्रेनर के प्रति आकर्षित थी वह इंदर की दोस्त है अपने पति रिक को लेकर हिंसक टकराव के बाद रोजर से अलग हो गई फ्रेडरिक की एसवी केविन थेरेसी के बेटे और एक एंटी हबोट कार्यकर्ता जोहान्स कुहन के रिक थेरेसी के हबोट जिनके पास विशेष अवैध प्रोग्रामिंग है जो अधिकांश हबोट की तुलना में अधिक सहानुभूति और नकली भावना की अनुमति देता है अन्य प्रमुख पात्र मनुष्य थॉमस डब्ल्यू गेब्रियलसन, डेविड आइशर लियो के पिता और प्रोग्रामर जिन्होंने वह कोर बनाया जो हबोट्स को स्वतंत्र इच्छा प्राप्त करने की अनुमति देता है वह मर चुका है और फ्लैशबैक में देखा जाता है ओला वाहलस्ट्रॉम एसवी ओवे होल्म ई हर्ब के साथ एक पुरुष जासूस जिमी लिंडस्ट्रॉम एसवी माल्टे कोल्जोनेन एक अस्थिर हबोट विरोधी कार्यकर्ता एनासिस एसवी पिलर थेरेसी की सबसे अच्छी दोस्त जो जिम में काम करती है मॉन्स नाथनेल्सन जोनास बोबर्ग हबोट रिटेल स्टोर हबोट मार्केट के मालिक पीटर सिलास एक चोर तस्कर और हबोट्स का अवैध संशोधक सोफिया बाख एसवी आसा पादरी और ईवा की पत्नी उनका मानना है कि हबोट्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे एलेन मैटसन ईवा पादरी की पत्नी जो हबोट्स की शौकीन नहीं है शेबली नियावारानी हेनिंग लॉ फर्म में इंगर एंगमैन के प्रबंधक निकलास जर्नहेम एसवी मैगनस कानूनी फर्म में इंगर एंगमैन के सहयोगी कैरिन बर्टलिंग निस्का बोबर्ग सीजन दो में जोनास की अलग मां डेविड आइशर से पुराने संबंध वाला एक प्रौद्योगिकी विरोधी वैरागी अलेक्जेंडर करीम डगलस जर्मियस सीजन दो में फ्लोरेंटाइन के पति लार्स एरिक बेरेनेट क्लेस जर्मियस डगलस के पिता और इंगर की लॉ फर्म के मालिक एमिल अलमेन एनर हबोट विशेषज्ञ हबोट्स क्रिस्टोफर वेगेलिन एसवी मैक्स एक हबोट अप्रेंटिस मॉडल जो लियो की सहायता करता है और जिसे लियो ने अपने प्रोग्रामिंग के प्रतिबंधों से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया है जोहान्स बाहकुहन के रिक थेरेसी का हबोट पर्सनल ट्रेनर मॉडल रेनी मिरो एसवी बो पिलर का हबोट देन एक दाहल एसवी अर्नोल्ड जोनास का हबोट जोनास मानसजो लूथर एक हबोट सिलास और उसके साथी ने सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने के लिए है किया है लुइस पीटर हॉफ लोएट डेविड आइशर की बीमार मां की देखभाल करने वाली एक हबोट ध्यान दें हबोट की भूमिका निभाने वाले अधिकांश कलाकार उसी मॉडल की अन्य प्रतियों के रूप में श्रृंखला में कई भूमिकाओं आमतौर पर गैर बोलने में दिखाई देते हैं एपिसोड्स श्रृंखला एपिसोड मूल रूप से प्रसारित सबसे पहले प्रसारित किया गया आखिरी बार प्रसारित हुआ एक दस बाईस जनवरी दो हजार मार्च दो हजार दो दस एक दिसंबर दो हजार तेरह दो फरवरी दो हजार चौदह एस एक एपिसोड्स पतली परत शीर्षक मूल रिलीज दिनांक लंबाई एक इनान फ्रॉस्टन फ्रॉस्ट से पहले चौदह जनवरी दो हजार पांच नवासी मिनट एक लापता दादी कर्ट वालेंडर को एक धार्मिक पंथ की राह पर ले जाती है एक परपीडक हत्यारे का पता लगाते हुए वह अपनी बेटी लिंडा जो कि यस्ताद शहर में पुलिस की एक नई सदस्य है की मदद से घटनाओं की एक श्रृंखला का पता लगाता है जिसमें धार्मिक हत्याएं और घरेलू जानवरों पर हमले शामिल हैं दो बायफेन द विलेज इडियट तीन अगस्त दो हजार पांच बानवे मिनट सीखने में कठिनाई वाला एक व्यक्ति बैंक लूटने की कोशिश करते समय खुद को उड़ा लेता है लिंडा को एक जासूस के रूप में पदोन्नत किया जाता है और कर्ट की सलाह के विरुद्ध वह स्टीफन के साथ एक कॉटेज साझा करने पर विचार करती है तीन ब्रोडेरना द ब्रदर्स सात सितंबर 2005 हज़ार नब्बे मिनट कर्ट वालेंडर और उनके सहयोगियों ने हत्याओं की एक श्रृंखला और एक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के बीच संबंध को उजागर किया रूममेट बनने से लिंडा और स्टीफन का रिश्ता और अधिक जटिल हो जाता है चार मोरक्रेट द ओवरडोज उर्फ द डार्कनेस 12 अक्टूबर 2005 हजार नवासी मिनट जब एक कार में एक परित्यक्त बच्चा पाया जाता है तो कर्ट वालैंडर लापता पिता को खोजने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की देखरेख करता है यह मामला लिंडा के लिए उसके अपने अतीत की यादें ताजा कर देता है और कट एक चिंताजनक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है पांच अफ्रीकाने अफ्रीकी 16 नवंबर 2005 88 मिनट यस्ताद सीआईडी एक रेल यार्ड में एक अफ्रीकी व्यक्ति की स्पष्ट आत्महत्या की जांच में हस्तक्षेप करता है जांच से पता चलता है कि हत्या का हथियार कट के सबसे पुराने दोस्तों में से एक से जुड़ा है लिंडा और स्टीफन का रिश्ता जांच को प्रभावित करता है छह मास्टरमाइंड मास्टरमाइंड तेरह दिसंबर दो हजार पांच मिनट एक भयानक स्थानीय हत्या और एक पुलिसकर्मी की बेटी के लापता होने की जांच करते हुए यस्ताद सीआईडी को संदेह होने लगता है कि दोनों जुड़े हुए हैं किसी पुराने मामले का कनेक्शन जांच पर ध्यान केंद्रित करने लगता है सात डेन्स वेगा पंकटेन द ट्रिकस्टर्स उर्फ द वीक पॉइंट पंद्रह मार्च दो हज़ार सत्तासी मिनट जब एक सवारी छात्र अपने खलिहान में स्थिर मालिक को मृत पाता है तो वालेंडर शुरू में संदिग्धों के लिए असमंजस में पड़ जाता है मृत व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं था कोई सामाजिक जीवन नहीं था और प्रतीत होता है कि उसका कोई दुश्मन नहीं था हालांकि थोड़ी सी खुदाई से कहीं अधिक जटिल और भयावह कहानी सामने आती है और जल्द ही संदिग्धों की सूची बहुत बड़ी हो जाती है कर्ट का संक्षिप्त रोमांस भ्रम पैदा करता है आठ फोटोग्राफें फोटोग्राफर दस मई दो हजार नवासी मिनट एक फोटो प्रदर्शनी में एक मध्यम आयु वर्ग की अमेरिकी महिला ने एक प्रदर्शनी चुरा ली और बंदरगाह में मृत पाई गई उसके पति का मानना है कि उसका अफेयर चल रहा था और वह चाहता है कि उसका शरीर और उसका सारा सामान वापस अमेरिका भेज दिया जाए पोस्टमार्टम से पता चला कि वह चार माह की गर्भवती है कर्ट और लिंडा दोनों अपने निजी जीवन से संघर्ष करते हैं नौ टैक्म टेलन कंटेनर लोरी 12 जुलाई 2006 हजार मिनट मृत शरणार्थियों को रखने के लिए एक परित्यक्त लॉरी की खोज की गई है दस लुफ्ट स्लॉटेड द कैसल रूइंस तेईस अगस्त दो हजार मिनट एक बूढ़ा आदमी जिसने बैंक से 20 मिलियन क्रोनर निकाले उसे जहर मिला हुआ पाया गया उसके पड़ोसियों पर संदेह है लेकिन जहर दिए जाने वालों में वे अगले हैं ग्यारह ब्लॉड्स बैंड द ब्लैक किंग उर्फ ब्लड लाइन तीन पच्चीस अक्टूबर दो हजार मिनट नाव पर अपने प्रेमी के साथ बहस के बाद एक महिला मृत पाई गई वालेंडर और यस्टेड पुलिस जांच करते हैं उनकी पूछताछ उन्हें एक फार्म कम्यून और लिंडा के एक पुराने दोस्त तक ले गई बारह जोकर द फोर्जर उर्फ द जोकर एक नवंबर दो हजार छह अट्ठासी मिनट जब एक महिला की उसके रेस्तरा के बाहर समुद्र तट पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो एकमात्र गवाह उसकी छोटी बेटी होती है वालेंडर और उनकी टीम को माल्मो में जैक हैंसन द्वारा संचालित एक रेस्तरां माफिया के बारे में सूचित किया जाता है इसलिए मदद के लिए माल्मो पुलिस को बुलाया जाता है उनका एक पुलिसकर्मी फ्रैंक बोर्ग जैक के व्यापारिक लेन देन के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है और उसके तरीके अपरंपरागत हैं तेरा हेमलिघेटें द सीक्रेट दस नवंबर दो हज़ार नब्बे मिनट जब एक 11 वर्षीय लड़का मृत पाया जाता है तो टीम उस भावनात्मक पीड़ा से उबरने में संघर्ष करती है जो मामले ने उन्हें पैदा किया है सीजन दो दो हज़ार नौ दस दो हज़ार आठ में तेरह और फिल्में कमीशन की गईं। फिल्मांकन अगस्त 2008 में शुरू हुआ और 2009 के दौरान जारी रहा चार तेरह एपिसोड 2009 और 2010 के दौरान जारी किए गए थे इन फिल्मों में से पहली हैमडेन द रिवेंश नौ जनवरी 2009 को एक नाटकीय रिलीज थी जिसका निर्देशन पुरस्कार विजेता पेरिस स्थित फ़्रेंको स्वीडिश निर्देशक चार्लोट ब्रैंडस्ट्रॉम ने किया था पांच शेष बारह फ़िल्में 2009 और 2010 के दौरान स्कैंडिनेविया में सीधे डीवीडी में चली गईं और बाद की तारीख में वहां प्रसारित की गई 2010 की शुरुआत में बेल्जियम में कैनवस टीवी और यूके में बीबीसी फॉर दोनों ने साप्ताहिक तेरह एपिसोड प्रसारित करना शुरू किया जिसका मतलब था कि इन दोनों ने स्कैंडिनेविया में रिलीज होने से पहले दो आखिरी एपिसोड दिखाए थे एस दो ए? व्यक्तिगत जीवन नरिकसन स्टॉकहोम में स्वीडिश अभिनेत्री सेसिलिया निल्सन के साथ रहते हैं उनकी दो बेटियां और एक बेटा है दोस्तों बात करें इसके सेक्शन टू के बारे में तो अभी कोई कंफर्मेशन निकलकर नहीं आई है और परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो सीरीज़ ने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है नेटफ्लिक्स के ऊपर एक तरह से मोस्ट पॉपुलर के अंदर ही चल रही है नंबर दो या तीन पर एक तरह से कंटिन्यू बनी हुई है वीकली के अंदर और बाकी दोस्तों मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस एक तरह से सीरीज़ के बारे में आपको दे दी, दी है फिर भी आपको कुछ चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं आज की वीडियो आपको कैसे लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा जिस जिसपे एक तरह से मूवी या सीरीज़ के बारे में आपको जानना हो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में